वाइट पास था हमारे भाई। तो जी अंदर एंट्री लेते हैं गाइस, हम पहुंच चुके थे फूड बस। ये आपको बताया था कि हम पहुंच चुके लाजपत नगर, और लाजपत नगर में अब हम जा रहे हैं। नगर में आए थे हम घूमने के लिए, पर हमारा एक मोटिव बन गया, तो हमें एक इंग्लैंड की गाड़ी है उसको देखने जा रहे हैं, और उससे बात चल रही थी हमारी। बच्चा रो रहा है पहले तो नहीं, इसे चाहिए था, चाहिए बहुत ही गंदे होते हैं बच्चे। तो हम वहीं चल रहे हैं। तो जी चल रहे हैं, हम दिखाते हैं आपको कहाँ कुछ खाने जा रहे हैं, क्योंकि भूख लग रही है थोड़ी बहुत। तो अपनी भूख का कंट्रोल नहीं कर सकते हम, तम का पता है रे बाबा। गाइस हम पहुंच चुके थे फूड बस में। हां जी सर, फूड बस ऑफ इंडिया। भाई टायर चल रहे हैं तो और क्या चलेंगे, जब बनाए चलने के लिए। तो बस ये स्टैंड पे से उतर जाना तो भगनी शुरू हो जाएगी भाई। स्टैंड पर नहीं, मतलब वही स्टैंड ही समझ लो इसे। तो जी चलो अंदर कुछ खाते हैं, बढ़िया सा बढ़िया से ही खाएंगे वो व्हाइट सॉस पास्ता। चलते हैं। तो जी अंदर एंट्री लेते हैं और चलते हैं। गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। देखो व्यू कितना प्यारा, मनाली की वादियों में घूम रहा है। सॉरी सॉरी, दिल्ली की, दिल्ली का प्रदूषण ये हमारे नहीं। अरे यार ओके, ओह माय गॉड, इतना सारा कुछ क्या है, सब कुछ ये क्या खाओगे? इतना सा उसका मेन्यू है। ऐसा पानी मंगाना बिल्कुल ठंडा। ऐसा पानी ठंडा मतलब? बिल्कुल ठंडा पानी। पानी ठंडा ना हो। गार्लिक ब्रेड मंगा लो। वाइट पास्ता हमारे भाई। नो सॉरी। और ये खाना? नहीं खाया, अच्छी जगह खा लो। मतलब क्या कहना चाहते हो? समझ गए लोग जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी भावना लोग बहुत जल्दी समझते हैं। आपकी भावना? मेरी भावना बहुत प्यार करती थी, मर गई पिछले जन्म में। उसी की खुशी में आज हम यहाँ आए दावत के लिए। भाई ये तो है नहीं, ये नहीं है, ये लंदन में है। लंदन की गाड़ी है, लंदन भाई भाई चलते चला वो लिया मैं पटरी पे, और इससे और कर लेते तुम्हारी नजरों को क्या हो गया है? आलू भाई शाम को भी तो खाएंगे हम। आलू कहाँ शाम को? हाँ आलू वही खाएंगे ना, पर नहीं फिर लेट हो जाएंगे बहुत। लेट क्या यार, आगरे तो जाना है रात को चलना। पानी पीना पिला के बाद भाई क्या खाओगे ये बताओ ना, क्या खाओगे? भाई मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। मैं भी हरी मिर्च ला दे। अरे ये दो है बस। किसलिए क्या मंगाए थे, छोले भटूरे मंगाए थे, भटूरे या कुलचे? कुलचा मंगाया था। हाँ ये बाउल मील है, ये कॉम्बो है, ये मॉकटेल्स है, कॉम्बो एंड दम बिरयानी तीसरा लग लेगा, ठीक है ना, वो छोड़ देते हैं। अब सुनो इस पे आते हैं, ये है बर्गर, मोमो, गार्लिक ब्रेड और रैप। तो एक काम करते हैं, एक बर्गर और एक मोमो आ देते हैं गार्लिक ब्रेड, ठीक है? सही है, गार्लिक ब्रेड और बर्गर है। देसी आलू टिक्की बर्गर ठीक रहेगा? देसी आलू टिक्की बर्गर। हाँ वही देसी आलू टिक्की बर्गर। और एक चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनते हैं बस। कचरी बर्गर तो उनके साथ जिनका मैं कम जी बजा रहा यार, बहुत बढ़िया यार। बताओ कितना लगा रहे, देखो दोनों को बराबर बराबर ये कोई सिस्टम नहीं है। अभी तो तुम्हारा गार्लिक ब्रेड भी आ रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूं। खाओ तो सही। हां तो ट्राई तो कर, ट्राई करो। मैं भी बोलूं हर बार मुझे मुझे बनाता है।
एक बार तू भी मुखिया बन जा। टक गया टिक्की में भी पूरी बटर ही बटर दी। बटर खाना तो हाँ दे, मैं ट्राई कर रहा हूँ। बस गरम है भाई, घीरा गरम है। मोटी ट्राई मार। क्या कौन है यहाँ मोटी? मोटी नहीं सेम टेस्ट मिलता है, फ्राई करता है ये नहीं करता। उसमें आलू की टिक्की, टमाटर, खीरा और नींबू डाल के, और उसमें पता है वो थोड़ी से अंदर से ना वैसे भी होती है, जैसे सोगी सोगी सा लग रहा है, सूखा सूखा सा, वो थोड़ा चुई सा होता है अंदर से। कुछ भी कर लो, पर लेकिन ना बहुत रेयर चांसेस है कि स्ट्रीट फूड से जो है ना रेस्टोरेंट वाला फूड जीत जाए, बहुत कम जगह हो। हाँ मतलब टेस्ट के वाइज बता रही हूँ मैं, 90% हमेशा स्ट्रीट फूड जीतता है। रीजन क्या है 90%? वही वाली बात है कि वो लोग डेली बनाते हैं, डेली डेली का उनका खत्म होता है। नहीं कुछ आइटम नहीं, वो लोग ग्रेवी बना के रख लेते हैं पहले से रेस्टोरेंट वाले, उसी ग्रेवी में सब सब्जी को बना के। गाइस ये चैलेंज था रे भाई, पूरा बर्गर खा के बनाएंगे एक बाइट में। एक बाइट में, एक बाइट में नहीं मतलब ये वाला खाएंगे आराम से। अब बाकी मेरे व्यूअर्स, अब तुम दोनों मिल गए 100 चाटे मार लो, मुझे जोड़ो। चलो तो 100 चाटे मार लेते हैं, मार लो कोई दिक्कत नहीं। खाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं यार, देख रहा भाई बर्गर नहीं खा रहा। पानी अच्छा लग रहा है, तो कोई भी निकला भाई, मुझे मेरी अम्मी मुझे करेला निकला भाई, टेस्ट भी नहीं करा आज तक ना। अरे मेरी तरीको मेरा मजेदार भाई साहब, आज तक चाहे बकरे बनाओ मजेदार मजेदार, टीवी में आज तक खाया नहीं। ये ट्राई करेंगे रैपर भाई, पर चीज गार्लिक ब्रेड भी हमने इतनी जगह खा ली, पर लेकिन उन वाले अंकल को कोई फील नहीं, वो नहीं कर पाया, इंदिरापुरम में खाए थे। कुछ चीजें तो हमारी ऐसी जो वहीं मिलती है अच्छी, इसका इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है, सॉफ्ट है उसका बिल्कुल, क्रंच क्रंची का पुल तो उसका भी ऐसे ही है, चीज पुल और वेजीज वगैरह होता है ऊपर। तुम कह रहे हो कि मैं खा लूं, मतलब ये अच्छा है। मैं तुम्हारे हाँ मतलब समझ गया, मैंने इसलिए मतलब मंगाया, बस ये मुझे पता था कि मेहनत कर रहे हो तो ऐसी बात नहीं। मैं आज पूरे टाइम सीजन में कुछ डालना नहीं पड़ता था, बस फ्राई करके ऊपर से चूरन कुरन डालो, बताऊँ वो तो हर कोई डालता है चूरन। अरे यार कौन सा कायम भाई, ये चूरन पड़ा देखो इसके ऊपर, कायम चूरन आजमा आजमा हो जाए। कायम ही तो होता है वो, पेट एक बार में ठीक कर देता है, लेकिन भाई एक बार खाओगे चूरन पेट का सब। तुम तो ट्राई करो, चीज में तो नमक तेज हो रहा भाई, मेरा बेचारा पेट भरा भी तो हुआ है, बेचारा पेट बेचारा ही है वो संडे सैटरडे बेचारा ही रहता है भाई, तो संडे में तो हमारा पेट लगा था हुआ बचा लो। संडे में कहता होगा अगर सारे तुमने कलम या खिचड़ी नहीं खिलते ही, सुबह सुबह उठते ही कहता आज मैं गया, आज तो मैं सही धो रहा हूँ, पहले से प्रिपेयर हो रहा था वो। बाहर की तरह हमने खा लिया पी लिया, मजा आ गया क्यों भाई सर?